सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट का मेरे टेलीग्राम चैनल, जीमेल अकाउंट और व्हाट्सएप पर कमेंट आ रहे हैं कि सर, हमने एएमयू बीटेक एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था और कितने मार्क्स पर हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा? इस साल एएमयू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की कट ऑफ कितनी जा सकती है? तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है के वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें, तभी आपको अपने सवालों का जवाब मिल पाएगा। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम विकास निसार है और मैं 2013 से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हूं। मैंने अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग और बीई इन सिविल इंजीनियरिंग एएमयू से ही कम्प्लीट किया है। अब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज से ही एमटेक इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो एकदम सही होगी, क्योंकि मैं एएमयू का स्टूडेंट हूँ। हमें ज़्यादा जानकारी होगी अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस की, कट ऑफ की, ब्रांच वाइज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या कट ऑफ रहती है, कैटेगरी वाइज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या कट ऑफ रहती है, यानी कि ब्रांच वाइज एएमयू में कट ऑफ क्या रहती है और कैटेगरी वाइज एएमयू की इंजीनियरिंग में क्या कट ऑफ रहती है। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ये देखने में आया है कि स्टूडेंट का इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का जो क्रेज़ था वो काफ़ी कम हो गया है। क्रेज़ कम होने का मेन रीज़न प्लेसमेंट ना हो पाना है। इंजीनियरिंग करने के बाद भी स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, इसी वजह से अब स्टूडेंट की रुचि भी इंजीनियरिंग से कम होती जा रही है। इसी के चलते हर साल न जाने कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं। इस साल भी AICTE ने 63 कॉलेज बंद किए हैं, लेकिन स्टूडेंट की अब भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के प्रति काफ़ी रुचि है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्कोप बहुत अच्छा है और प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे पैकेज पर होता है। इसी वजह से सभी स्टूडेंट का अपना बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने में ही रुचि होती है। वो अपना बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी से ही करना पसंद करते हैं। अब यही हाल एएमयू के बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का भी है। यहाँ से भी ज़्यादातर स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एवरेज प्लेसमेंट 70-80% रहता है। TCS, विप्रो, एसेंचर, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज यहाँ की मास रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं। यहाँ पर ये TCS सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को हायर करके ले जाती है। इसके अलावा टेक महिंद्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह भी यहाँ की मास रिक्रूट कंपनी हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से एएमयू के बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि यह स्टूडेंट की फेवरेट ब्रांच होती है, हर कोई इसे लेना पसंद करता है। हम यहाँ कट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की लास्ट ईयर की कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं और इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि एक्सटर्नल स्टूडेंट जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, उनकी लास्ट ईयर कट ऑफ 83% थी। ST SC कैटेगरी के स्टूडेंट की कट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 62 गई थी। OBC स्टूडेंट के लिए 71 थी ये कट ऑफ। PH कैटेगरी के लिए 40+ थी। और CA और CE जो होता है, CA का मतलब होता है चिल्ड्रेन ऑफ एलमनी एंड CE का मतलब होता है चिल्ड्रेन ऑफ एम्प्लॉय, तो इस कैटेगरी की कट ऑफ जो गई थी 60+ गई थी। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए इंटरनल स्टूडेंट की, तो इंटरनल स्टूडेंट की जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं इंटरनल स्टूडेंट, उनकी 70+ गई थी। OBC 60+, SC ST 53, PH 32+, CA CE 55+। अगर आप PH कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका तो किसी भी ब्रांच में आप जो भी प्रीफ्रेंस डालेंगे वो आपका किसी भी प्रीफ्रेंस पर हो जाएगा, मतलब आपको फर्स्ट चॉइस ऑफ ब्रांच मिलेगी। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट देखने में ये आया है, क्योंकि ज़्यादातर PH कैटेगरी के स्टूडेंट अपना बैचलर डिग्री नहीं कर पाते, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं कर पाते, वो हाई स्कूल डिप्लोमा करके ही किसी सरकारी जॉब में अप्लाई करते हैं और अच्छे पैकेज पर प्लेस भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना UG और PG तक जाते हैं। तो अगर आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एक बार AMU में किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसका आपको एक बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आपके यहाँ पर एडमिशन चार्ज
एडमिशन चार्ज जो रहता है वो ज़ीरो रहता है, यानी कि आपको एडमिशन चार्ज के तौर पर कुछ भी नहीं देना होगा, आपकी फ़ीस ज़ीरो रहेगी। आप अपना 4 साल का बीटेक फ्री में कर कर निकल जाएंगे। आपको हॉस्टल चार्ज देना होगा 1100 रुपये पर मंथ, ये भी बहुत कम होता है क्योंकि 1100 रुपये पर मंथ में आपको अकोमोडेशन मिलेगा, आपको साथ में सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर मिल रहा है 1100 रुपये में। लाइट भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो कोई ज़्यादा नहीं होते 1100 रुपये पर मंथ आपका। अगर आप अपना बीटेक किसी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से करेंगे या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करेंगे तो वहाँ पर फ़ीस ज़्यादा रहती है प्राइवेट कॉलेज में, पर ईयर 1 से 2 लाख रुपए की फ़ीस रहती है। और यहाँ पर पीएच कैटेगरी में आपको फ्री में फीस आपको कुछ नहीं देनी है आपका, यानी कि बीटेक एक तरीके से फ्री में हो रहा है। बाकी आपको हॉस्टल चार्ज दे देना है। अगर आप ब्लाइंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको हॉस्टल चार्ज भी नहीं देना है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपका बीटेक जो है 4 साल का ओवरऑल फ्री में हो जाएगा। और बाकी जनरल कैटेगरी एसटी एससी कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है उन लोगों को अदर यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम फीस डिपॉजिट करनी है, जमा करनी है। आप मान सकते हैं कि 4 साल का बीटेक आप 60 अंडर 60 हज़ार रुपये में करके निकल जाएंगे, और जबकि आप किसी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तब आपको एक ही सेमेस्टर की फ़ीस 60 से लेके 80 हज़ार 1 लाख रुपये तक की जमा होती है एक सेमेस्टर की, और यहाँ पर आपको 4 साल की फ़ीस 60 हज़ार रुपये। तो आप खुद सोच सकते हैं। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका रुतबा भी अलग है, यहाँ का प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारे सवालों का जवाब मिलेगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछें, हम आपका जवाब ज़रूर दे पाएंगे। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल अलीगढ़ टेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन फ्यूचर आपको एमयू के रिगार्डिंग सारी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा। मिलते हैं तो अगली वीडियो में, बाय बाय।